घुमा ले घुमा ले। तो भाई दिल्ली में गर्मी ना कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्या करके मानेंगे दिल्ली में गर्मी भाई। ठीक है जी, तो आज का कुछ प्लान ऐसे है, अब मुझे जाना है कुछ मीटिंग्स में, मीटिंग्स पूरी करेंगे, उसके बाद में जो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते आपको बताऊंगा। वैसे मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ, तो इस बारे में कुछ मीटिंग वगैरह होनी है, उसके बाद में क्या होगा वो पूरी वीडियो में आपको बदल जाएगा। के ऑफिस में हम लोग पहुंच गए हैं। हां बोलो तू बोल रहा है। हां बोला मैं। तो पहुंच गया हूं नजर टीवी के ऑफिस में, इनके तो आप जानते ही है। ठीक है, अब ये आ गए, आप बता दीजिए अपने बारे में भी। हाय, मेरा नाम स्वाति है और मैं यहां की रिपोर्टर हूं। ये है सुनीता, इसको भी जानते हो, कनातल वाले में देखा होगा। पागल है पागल है। ठीक है जी, अभी हम कहां जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं एक मीटिंग में, जो हमारा एनजीओ है अखिल भारतीय मजदूर परिषद। तो हम निकल चुके हैं मीटिंग के लिए, और मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं रमेश नगर। रमेश नगर में हम पहुंच गए हैं मीटिंग करने के लिए। रमेश नगर की मीटिंग खत्म हो गई है, यूनियन की मीटिंग हमारी खत्म हो गई, बहुत सक्सेसफुल रही, काफ़ी सारे लोग आए थे, कम से कम 20-25 लोग थे जो हमारे यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है सारे, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, उससे पहले कुछ खाने जाएंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे। ठीक है, चले फिर। तो हाँ जी दोस्तों, अभी जो है हम रुके हैं सरोजिनी नगर के पास में हम रुके हैं वहाँ। ये विषय क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अभी। चलो ठीक है, हम रुके हैं सरोजिनी नगर मार्केट। अभी टाइम हुआ है 5:30 के आसपास में टाइम हुआ है, तो हमने सोचा यार खा के क्या करेंगे, कुछ पकौड़े वकौड़े खाते हैं और पेप्सी वेप्सी पीते हैं, तो क्योंकि जो है रात का भी खाना खराब हो जाएगा और दिन का तो खराब हो ही गया, तो इसलिए कुछ हल्का बुल्का खाते हैं और उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं। और ये वाली दुकान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है ना, किस ये वाली सरोजिनी नगर पकौड़े वाला, ये इनके इसके बारे में ये बताएगी, ये इनको ज़्यादा पता है इसके बारे में, आप बताओ। ये जो दुकान है ऐतिहासिक दुकान है सरोजिनी नगर में पकौड़े वाली, और इसके इस पे रोजाना लगभग 2000 लोग खाना खाते हैं, और सिर्फ पकौड़े ही खाने के लिए आते हैं। इसके पकौड़े बहुत स्वाद हैं, आप भी आइए दिल्ली वालों और सरोजिनी नगर में पकौड़े खाइए। तो भाई सरोजिनी नगर के पकौड़े बहुत खाना, इन्होंने कहा कि यहाँ पर पकौड़े खाएंगे, मैंने कहा नहीं ऑफिस में चल के खाते, कह रहे नहीं ऐसे पकौड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन सही में बहुत टेस्टी थे और बहुत रीजनेबल रेट था, तो ट्राई कर लेना। उसके बाद में अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस में जाके थोड़ा सा काम हम देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या करते हैं क्या नहीं आपको पूरा अपडेट देता रहूंगा, मिस मत करना वीडियो। अभी अभी हम पहुंच गए ऑफिस में, ऑफिस में आने के बाद में इनके पास में आया फोन इनके फ्रेंड का, तो हम जा रहे हैं गेट टुगेदर करने, उनके छोटी सी एक पार्टी है वहां पर। ठीक है, वहां पर जो है क्या क्या मिलेगा आपके वहां पर खाने को, खाने का मटन सटन मटन मिलेगा, और घुमा ले घुमाएंगे। पहुंच गए हम पार्टी वाली जगह पर, अभी हो रहा है गेट टुगेदर। ठीक है जी, ये सारे पीछे बैठे हुए, और ये अभी आपको बताइए अपना नाम, आपका नाम नाम बताओ जी। नाम मेरा नाम नहीं, आपका नाम तो सारे जान गए। ठीक है, और ये मनीष बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, आपको होप्सो पसंद आया वीडियो आज की, जो है हमारा पूरा का पूरा आपने पूरा देख लिया, क्या क्या हमने करा, कहाँ मीटिंग करी, क्या करा क्या नहीं करा। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एक और चीज वीडियो में बताई जाए, हमें 237 सत्य निकेतन नियर नानकपुरा गुरुद्वारा, ये जो शॉप है अभी आपको अरुण दिखाएगा शॉप, ये बड़ा थोक पे मतलब की बड़े अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे बहुत ही विदेशी और देसी शूज आपको यहाँ मिलेंगे इस शॉप पर, सत्य निकेतन 237 पर। जरा आप दिखाइए लोगों को कि भाई देखिए किस तरह के शूज हैं, लेडीज जेंट्स सब शूज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो एक बार आप घुमा दीजिए इसको। ये मैं पीछे घुमाए तो यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पर और पीछे भी लगे हुए हैं, और जो है बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। इसके ऊपर एक मैं कहता हूँ, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं कौन कौन सी वैरायटी आपके पास में मिल सकती है और क्या क्या मिल सकता है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाते हैं। ये है 237 सत्य निकेतन, आए और सस्ते दामों पर आप यहाँ से लेडीज जेंट्स लड़कियों के लिए बॉयज के लिए शूज खरीदे। होलसेल पे मिल जाएगा आपको, जो उसकी अलग वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा किस रेट पे क्या मिल जाएगा और कितना मिनिमम माल आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में कल।